बाबू ठीक है बोलिए। हाँ पूरा भाई आप लोग भी थोड़ा डिसेंट मेंटेन थोड़ा सा पीछे हट के हमारा एक मकसद है। देखिए ये कोरोना को कंट्रोल होना जरूरी है। आप लोग सब मीडिया के हैं, बिल्कुल आप लोग सब जानते हैं। ये ऐसा है जब मीडिया के इतना होने लगा पुलिस इतना जुलम क्यों कर रही थी मीडिया के पुलिस। आप कंपेयर दूसरे स्टेटों से कर रही थी हबीबनगर आप बताए कल बताएगा जी हाँ पहले फोन करे जी हाँ उसमें पहले आप बाजू में इंक्वायरी कर उनको लिखा तो बोला बिल्कुल आप आइए बात करेंगे वो हबीबनगर पीएस से बात करने के लिए पट्टी का पट्टा बोल रहे ये एजेंसी जो रजिस्ट्रेशन है सर वो जो है मैं नहीं मानता हूँ और जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन है वो भी नहीं मानता हूँ। जो भी आपने जो वेब मीडिया के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। आप जाके ओपनली सीपी को बोल लो होम मिनिस्टर को बोल लो अगर ज्यादा आप बोलेंगे तो हम आपके ऊपर जो केस बुक कर देंगे एफआईआर कर देंगे बता रहे हैं। हबीबनगर जी हबीबनगर हिमायू नगर और हबीबनगर इसमें टोटली मुस्लिम के लिए पार्शलिटी यूज हो रही है। जो बच्चे भी जा रहे हैं सर उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आज भी हुआ सर कल दो जनों को हुआ इसका ना एप्लीकेशन है सर ये एप्लीकेशन के ताल्लुक से जो है ना हम लोग के पास स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन है साहब। हाँ फिर हमारे पास एमएसएमई है हमारे पास लेबर लाइसेंस है नहीं फेक वालों को पकड़ो साहब पुलिस का काम है फेक काम कर रहे तो पकड़ना पुलिस का काम वेरीफाई कर लेना ना वेरीफाई जो दलील कर रहे हैं गाली दे रहे कुत्ता गले में पट्टा है बोला एक ना तो क्या बोला निकलते भी मां की बहन की होते सर। अगर ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन गन नंबर ऑफ इंडिया का है आप बता दिया ये अगर रजिस्ट्रेशन है आम के लिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे बोल रहे हो हम डायरेक्ट जो है आप लोगों तक बता देते हैं साहब न्यूज़ पूरी सर्टिफिकेट हम बता रहे हैं उनको तो शो करने का टाइम ही नहीं दे रहे बच्चे का जो है सेलफोन कुछ नहीं है आईडी कार्ड सब बच्चे के पास लोगो है ओनली जिसके पास एक्रेडिटेशन है उनको मैं रिपोर्टर मानता हूँ बता रहे हैं। तो एक्रेडिटेशन जो है एक चैनल को जो है तीन से चार आते हैं सीनियरिटी हुई तो उसके बाद में बढ़ते जाते हैं उसके बाद में जिसका नहीं उसके मानते हुए और जर्नलिज्म कोर्स पूछ रहे हैं तो जिसका नहीं एक्रेडिटेशन अवेलेबल है सर वो भी जर्नलिज्म नहीं करे हुए है। और साहब प्रकाश जावड़ेकर ये बोले कि जो ओटीटी जितने भी है और जितने भी डिजिटल मीडिया चल रही साहब इसको जो है ना खुला परमिशन है मगर उनका कुछ गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है हमारे पास तो लेबर लाइसेंस है हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है एमएसएमई भी है नहीं पूरा इशू नहीं होता साहब के लिए सर थ्री इयर्स अबव होना पड़ता है उसके अंदर हम लोग मेंशन करेंगे ऑलरेडी मीडिया वालों को हम भी बहुत जी जी क्योंकि आपको कोई मैसेज नहीं दिया जी आजकल जो होगा व्हाट्सएप हो गया बहुत ज़्यादा तरीके से वो लोग एक ही फोन रख लिए जी ना अपने आप को बोल के मीडिया उनको बराबर है जो इलीगल है बराबर उन पे एक्शन आप कर पाता है जी हाँ बंदा क्या बोला आओ आप बात मिलने बात कर लेंगे जरूर जो भी है आपकी तकलीफ दूर करेंगे ओके मैं भी बात करता हूँ डीजी साहब से बात करेंगे आप जो नहीं सर जो वेब मीडिया की जो परेशानी है उसको हल निकाल दीजिए मेंबर जाने के बाद में उन्होंने चैलेंज ओपन ये कर रहे हैं कि आप जाके सीपी साहब को बोलो बोले तो अब सीपी साहब बड़े हैं क्या फिर सीआई बड़े हैं सर वेब मीडिया की बात आ रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलती है वेब मीडिया को नहीं चलाता वो लोग खुद ही जो है वेब मीडिया पे चला हुए फिर दोनों भी जो है मातहत तेलंगाना गवर्नमेंट के उसमें है फिर इन्हों पुलिस बोल रही है जो हम जो है जी एमसी को नहीं मानते बता रहे हैं। ये रख देना चाह रहा हूँ साहब जैसा हम बोल रहे हैं साहब हमारे पास सर्टिफिकेशन है सब कुछ है साहब बोलने पे क्या बोल रहे हैं लोग ज्यादा ये करते हैं सीधा क्या बोल रहे हैं साहब तू गाली दिया तू सस्पेंड कराता हूं बोला बोले केस हम ज्यादा एग्रीटेशन गाड़ी ही पूछे ऑलरेडी कर रहे साहब पुलिस वाले की ड्यूटी मुसलसल करते रहते हैं नहीं नहीं उनकी ड्यूटी है उनकी ड्यूटी है सर उनको वेरीफाई कर लेना आप जैसे आप मीडिया वाले ड्यूटी करते हैं मुझे भी मालूम है मैं भी चैनल नहीं करता हूँ आप लोग अपने को रिस्क लेके भाग भाग के रिपोर्टिंग करते हैं भाग तो क्या होगा व्हाट्सएप के तहत गलत सलत रिपोर्ट आने देते हैं कंटिन्यू है सर तो वो करेक्ट है उसके लिए अब मैं सीपी साहब से बात करूँगा जो बच्चे के पास आईडी कार्ड है
रजिस्ट्रेशन बता रहे लीजा कि एक्रीडिटेशन तो सर आफ्टर थ्री ईयर नैमित्ता साहब आपका तो आपके पास कितने एक्रीडिटेशन है कितनों को आते बताए अगर आपके ने 50 मेंबर है 10 जनों को एक्रीडिटेशन आते बाकी के पूरे रिपोर्टर ही बाहर जाना चाहिए आपके आपके हिसाब से आप सीनियर रिपोर्टर जी जो रिपोर्टिंग करने वाले उनको तो एक्रीडिटेशन कार्ड देते आप बोले सर 2-3 साल के बाद देते वो बात सही है किसी के पास भी विदाउट एक्रीडिटेशन मैं एक्सेप्ट नहीं करता बता मैं अभी मैं सीधी से भी ओके बिल्कुल बिल्कुल आप जो है मीडिया को रिलीज दिलाना 100% दिलाना घर के पास मालूम बाहर 15-20 मीडिया वाले अरे तो अपने भाया है बिल्कुल मीडिया वाले तो कुछ मिल गया बराबर नहीं जाएंगे से लेके डीबीसी से लेके आज तक से लेके ये सैटेलाइट चैनल्स होते पर भी पूरे सोशल मीडिया पर फिर उन्होंने सैटेलाइट होते पर सोशल मीडिया पे क्यों है और सोशल मीडिया को क्यों ब्लेम किया उसको टाइप करके उन लोग से वीडियो मंगा रहे वेब मीडिया से नॉलेज में ला रहा हूँ 10 कदम पे है अल्हम्दुलिल्लाह होटल 24 घंटे खुली है अल्हम्दुलिल्लाह होटल अलहमदुल्ला जो होटल है अब हम वो नरेंद्र रेड्डी साहब पुराने पुल पे 24 आवर्स सर शराब बिक्री 24 आवर्स मेरे पास क्लिप्स है मैं उसको डालूंगा आजकल मैं डालूंगा 24 आवर ओपनली देखिए सर बच्चा इतना निकाल के बता रहा बहादुरपुरे की गाड़ी ठहर के वहां पर जो है शराब बेचने लगा रही आप एक बयान दे दीजिए आप तो इमीडिएट मैं बैठा था तो कुत्ता खुद ही बड़ा किंगकोटी हॉस्पिटल में जब रोगा आमने सामने मर रहे थे तो इसमें अपने डॉक्टर के पास पेपरों में आया था सर तो हम लोग जाकर रोगा निकाल पूरे रोगा निकाल दो भाई हमारे पास कोई भी एक मिनट जरा देर रुको तो हम लोग गए साहब जाके जो है ना सुपरिटेंडेंट साहब से बात करें कि साहब आपको कुछ कमी है तो हम बोलिए गवर्नमेंट को मैसेज देते साहब बोले तो उन्होंने क्या करें ACP साहब को बुला के हमारे ऊपर कंप्लेंट देने लगे देख के हम आप हैरासमेंट ये कर रहे हैं साहब कि मेरे ऊपर भी कंप्लेंट करा दिए सब जबकि हम लोग लोग अपने अपने फोन के ऊपर व्हाट्सएप यूज करते हैं और इससे कानून तो मजबूत हो रहा ना साहब जितने भी डिपार्टमेंट है मेहनत कर रहे ना साहब मीडिया की वजह से जो है ना कहीं करप्शन नहीं हो रहा ब्राइब नहीं दे रहे कोई भी टीवी चैनल वालों को प्रॉब्लम है सर आप एक बयान दे दीजिए सर धीरे धीरे एक सेकंड धीरे सर वाइट कर रहे हैं नहीं 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 अभी आप कर रहे हैं क्या खाने से बोला हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है पहले सुन लो मैं तो आपको मेरा भाई है बोलो आप लोगों ये तो नहीं बोलो नहीं भाई सब बाहर जाओ क्या बता था अगर मीडिया ज्यादा है तो एक आदमी आके हमसे बात करना और फिर मैं खुद गाड़ी में से उतर के आपके पास नीचे एक आदमी ऊपर बात कर बहुत शुक्रिया हम आपके रेस्पेक्ट करते हैं ठीक है अब दुनिया में 95-98 थे एक आदमी खराब रहता मीडिया में भी कुछ खराब रहता है थोड़ा बहुत मगर फिर भी मैं आप मेरे भाई है यकीन मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज है आवाम तक सही गलत न्यूज पहुँचा सही पहुँचा तो गलत समझ रहे साहब सही न्यूज बता दे गलत बता दे बात करूँगा मीडिया को हमारे CM साहब ने जिस दिन लॉकडाउन कहा उस दिन मीडिया को छोड़कर कहा मीडिया के लोगों को या जो ज़रूरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो छोड़ो लोगों के लिए छोड़कर बाकी लोगों के लिए हो रहा है कि लोग बहुत आपसे भी गुजारिश है आप अपील कीजिए बेहिसाब आप रोड पे देखिए
आप कितने लोग बाहर निकल जा रहे हैं, उतने लोगों की जरूरत नहीं है। लोग ज्यादा निकलते पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन मेहनत करते करते उनको कंट्रोल करते करते थक भी जा रहा है। मैं जरूर आपके बारे में जो है किस जगह आपके साथ आप बता रहे हैं कि हमको केयर नहीं किया जा रहा है, हमारे आने जाने में रुकावट पैदा की जा रही है। मैं अभी कमिश्नर साहब से बात करूंगा, आप जाने के बाद डी जी पी साहब से बात करूंगा, और आप एक दो बार कहें कि हबीब नगर पी एस की बात करें, मैं खुद वहाँ के एसीपी डीसीपी से बात करूंगा, ताकि किसी जगह से एक बात बता दो, हमारी पुलिस फ्रेंडली पुलिस और इंडिया में नंबर वन पुलिस तेलंगाना सब जानते, मगर ये लॉकडाउन की वजह से ड्यूटी करते करते वो भी थक जाते हैं। लोग क्या है, आप तो न्यूज के लिए फिरते, प्लीज आप बात करते हो, आप न्यूज के लिए फिरते, लोग खाली मोटरसाइकिल पे चक्कर मार के शहर के आलम पास करने फिरते हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आवाम से भी आप अपील कीजिए, घर दूरी बाहर मत निकलिए, और हमारे मीडिया भाइयों की हम दिल से कदर करते हैं, आपकी जो इशू है मैं खुद भी बात करके साल कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, दोनों भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, आजकल लोग व्हाट्सएप मीडिया लगा लिया, वो मीडिया नहीं है, अरे व्हाट्सएप लेकर अपनी डाल के लोगों की बात करके व्हाट्सएप मीडिया को जरूर कंट्रोल करेंगे, और जो हमारा परमानेंट इंडिया है जो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, उनकी हम मदद भी करते हैं, उनसे गुजारिश भी करते हैं कि लॉकडाउन का जो मीनिंग्स है वो पब्लिक को बताएं। हमारे पास मैं खुद आते आते देख रहा हूँ, कई लोग मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, बच्चे नौजवान बच्चे जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी तो कर सकते हैं, उनका जो बिल्कुल करेंगे उनकी वेरीफाई करने से मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि गैर जरूरी बाहर मत निकलिए, बिल्कुल थोड़ा हम भी जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए लॉकडाउन, जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए लॉकडाउन से, दो जनों की बड़ी नुकसान है, दो आदमी, एक तो हुकूमत का बहुत बड़ा लॉस है, हुकूमत चलना है तो बगैर पैसे की हुकूमत नहीं चल सकती, बिल्कुल बात है, टैक्स तो बगैर उसूलने चले जाता, और लॉकडाउन में कोई टैक्स नहीं आता, इसी तरह गरीब आवाम भी मर जाती है, बिल्कुल जो रोजमर्रा मेहनत करके जीते हैं, यकीन से कह रहा हूँ मैं आपके सामने, हम कभी फोन आया तो हमारे आँख में आंसू आ जाते, लोग इतनी तकलीफ में रहते, एक एक टाइम खाने के लिए तकलीफ में, तो हम जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खत्म करना चाहते हैं, क्यों कि लोग अच्छी जिंदगी गुजार सके, और लॉकडाउन में हुकूमत भी परेशान हो जाती है, किसी किस्म के टैक्सेस नहीं आते, लोग भी घरों में बंद होकर परेशान हो जाते हैं, तो यकीनन हम आपका जो भी तकलीफ है जरूर डीजी साहब से और सीपी साहब से मैं बात करूंगा, और जल्द से जल्द अल्लाह से दुआ करता हूँ कोरोना का खत्म हो, जो लॉकडाउन है इसके बाद कुछ एक्सटेंड होने के कुछ चांसेस है, ये तो 20 तारीख के दिन जो हमारे केसेस हमारे जो परसेंटेज है जी, अगर वो काफी घट जाएगा तो लॉकडाउन उठा दिया जाएगा, तो वो तो अभी परसेंटेज ऐसी पब्लिक का फिराव तो बहुत है सर, रोड पे बाहर वही तक सख्ती नहीं करेंगे तो पब्लिक बिल्कुल बाहर निकलेंगे। नहीं नहीं सर, एक सवाल था आपसे, जो लॉकडाउन की जो टाइमिंग 6 to 10 है, क्योंकि अगर कोई दुकान खोलते है तो आधा घंटा लगता है बंद करने, आधा घंटा लगता है जाने आने में, जो लोग देरी हो रही है तो उनको जो है रोक के केसेस बुक करें, गाड़ी सीज करें, और एक सवाल सर, अगर ये टाइमिंग को जो है ये टाइम के अंदर ही अगर आप जो है फर्दर आगे जाते हैं, एक 2 घंटे का टाइम अगर और बढ़ाते हैं तो लोगों को जो है कारोबार में थोड़ी आसानी। देखिए अभी 30 तारीख तक का डिक्लेयर हो बराबर, हम तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं 30 के बाद खत्म हो जाए, फोन पर बात करें मेरे से भी बात करें, हालात बताएं ऐसे ऐसा क्या करना चाहिए, सारे लोगों से मशवरा करने के बाद लॉकडाउन का हम तो अल्लाह से यही दुआ करते, मैं बताया ना कि जल्द से जल्द इसका खत्म हो जाए, और 30 तारीख से अगर हो बस लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े तो बहुत बेहतर होगा, आप लोगों का थोड़ा टाउन चाहिए, पब्लिक के लिए थोड़ा मैसेज कर दीजिए, आप क्या कर रहे हैं जो भी है इसके बाद लॉकडाउन के बाद मेरे पास सही नहीं है। और सर विदाउट जीडी एंट्री विदाउट एफआईआर करेंगे, हम गए तो जो है ये बच्चे को जो सीढ़ियों पे बिठाया गया चप्पल उतार के, और फिर दूसरे चैनल को ये पावर करा दिया गया, बता दिया गया कि ये फेक है, वायरल कर। थैंक यू सर, थैंक यू।